कराची चिड़ियाघर में हाथियों का रूट कैनाल करने के लिए जर्मनी से स्पेशलिस्ट को बुलवा लिया गया। हाथियों का रूट कैनाल किस तरह से किया गया इनसाइड पाकिस्तान की इस वीडियो में देखिए। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार कराची चिड़ियाघर में पाकिस्तानी हाथी मधुबाला पर रूट किनाल के तरीके कार को अंजाम देने के लिए स्टैंडिंग सेडेशन नामी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बैनुल अक्वामी जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम ने मुल्क के 4 अफ्रीकियों में से एक की मदद के लिए सर्जरी की हाथी के दांत के दर्द और इन्फेक्शन के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने लेबिंस इंस्टीट्यूट चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ रिसर्च के सरबरा वेटर नरेन को गुज़िश्ता साल सितंबर में कराची में 4 अफ्रीकी हाथियों का सेहत का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान आने की इजाज़त दी थी। ये फैसला जानवरों के हकूक के कारकुनों की जानिब से अदालत में जाने के बाद किया गया। मयाना में कायम जानवरों की फलाह बहबूद की एक तंजीम फोर पॉज ने नवम्बर में हाथियों की सेहत का अपना जायज़ा लिया था, जिसमें फौरी तौर पर सर्जरी का मशवरा दिया गया था क्योंकि कुछ जानवरों में दांतों का शदीद इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आज हाथी मधुबाला के दांत की जड़ के दोनों तरफ ऑपरेशन किया गया। ये एक खास तरीके कार है जो हमने किया। डॉक्टर खलील ने कहा इनके दांत टूट गए थे और जख्मों के अंदर के टिश्यूज सूजन और इन्फेक्शन ज़्यादा थे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और बग़ैर इलाज के सोजिश फैल सकती है और अंधापन या दिमागी नुकसान और मौत का सबब भी बन सकती है। हमने हाथियों को स्टैंडिंग सेडेशन के तहत रखा, मुर्दा टिश्यू निकाले, रूट कैनाल को साफ किया और मुकामी देखभाल करने वालों को ये भी सिखाया कि इलाज के बाद बाकायदगी से फ्लशिंग कैसे की जाए और मज़ीद सोजिश को रोकने के लिए ज़ख्मों को कैसे साफ किया जाए। हम हाथियों की बहाली के लिए अच्छे नतायज की तवक्का करते हैं कि इनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अहम कदम है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये इलाज 17 साल मधुबाला की ज़िंदगी को नई राह देगा। वो आम तौर पर खाना खा सकेगी और इसे ये दायमी और बहुत शदीद दर्द नहीं होगा, जिसने पिछले कुछ सालों में इसकी ज़िंदगी के मयार को मुतासिर किया है।